तो देखो गाइस यार, फ्री फायर को ना बहुत से बंदे टू फिंगर से खेलते, कुछ बंदे थ्री फिंगर और कुछ अल्ट्रा पीरो लेजेंड जो बंदे होते हैं वो फोर फिंगर से भी गेम को खेलते हैं। और देखो भाई, आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग जितनी ज्यादा उंगलियों से खेलोगे, एक सेकंड भाई यार, हर बात का ना गलत मतलब निकालना जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग जितनी ज्यादा उंगलियों से फ्री फायर खेलोगे उतना ही आपका गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है, काफी तगड़ा हो जाता है। मतलब कि आपकी मूवमेंट स्पीड, ग्लो लगाने की स्पीड और भाई वन टिप तो इतने तगड़े लेवल के लगते हैं कि बात ही पूछो। तो देखो गाइस यार, मुझे पता है कि आप भी सोच में पड़ रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए यार, आपको टू फिंगर से खेलना कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर आपको थ्री फिंगर और फोर फिंगर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और भाई क्या आपको वाकई में थ्री फिंगर और फोर फिंगर से खेलने में ज्यादा एडवांटेज मिलता भी है या फिर बस ये सारी कहने की बातें हैं। और भाई टू फिंगर से थ्री फिंगर पे शिफ्ट होने के लिए बेस्ट कस्टम HD कौन सा है, ठीक है, यही सारे सवालों का जवाब, यही सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए, और भी मेरे को ना एक चीज कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोग अभी फिलहाल कितने फिंगर से फ्री फायर खेलते हो, टू फिंगर, थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर, ठीक है, ये चीज कमेंट करके बता देना। और भी चैनल पे गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। तो गाइस यार, अभी बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि टू फिंगर वर्सेस थ्री फिंगर्स के एडवांटेजेस। तो देखो भाई, अगर हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो भाई चीजें बहुत ही सीधी सी है, क्योंकि अगर हम टू फिंगर वाले बंदे को थ्री फिंगर से खेलने वाले बंदे के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो भाई बहुत ही ऑब्वियसली बात है, जो भी बंदा थ्री फिंगर से खेलेगा उसके पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उस बंदे के पास एक एक्स्ट्रा उंगली होगी बंदे को उंगली करने के लिए, तो भाई वो बंदा बहुत सारी चीजें एक साथ कर पाएगा। तो भाई थ्री फिंगर से खेलने वाले बंदों को ये एडवांटेज तो जरूर मिलेगा। अभी जरा बात कर लेते हैं टू फिंगर प्लेयर्स की। तो देखो भाई, टू फिंगर प्लेयर्स ना हमेशा मीडियम में रहते, बैलेंस रहते, उनके पास ना ही कोई इतना बड़ा एडवांटेज है और ना ही बहुत ही घटिया डिसएडवांटेज है, ठीक है, तभी तो भाई ज्यादातर फ्री फायर के बंदे टू फिंगर से गेम खेलते हैं। लेकिन देखो भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सच्ची में अपने गेम प्ले लेवल को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है और अगर आप चाहते हो कि आप पहाड़ी भाई, पागल, M10, राइस्टर और टायर फ्यूगो जैसे बंदे को भी बीट कर पाओ, तो देखो भाई टू फिंगर इनाफ नहीं है, आपको थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। क्योंकि गाइस टू फिंगर से ना आप अपने गेम प्ले को एक लिमिट तक ही पुश कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद अपने गेम प्ले को और भी ज्यादा इंप्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जरा ध्यान में रखना। अभी गाइस बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि कस्टम HUD भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, आप चाहे टू फिंगर खेलो या फिर थ्री फिंगर, लेकिन अगर आपके कस्टम HUD के अंदर ही प्रॉब्लम है फिर तो भाई आपका गेम प्ले इंप्रूव होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस यार, अभी मैं आपको टू फिंगर और थ्री फिंगर के लिए कुछ ऐसा कस्टम HUD बताने वाला हूं जिससे आपका गेम प्ले एकदम मस्त चिकना भी हो जाएगा और आप लोग ना बड़ी आसानी से थ्री फिंगर पे शिफ्ट भी कर पाओगे। तो देखो गाइस यार, किसी भी टू फिंगर कस्टम HUD के अंदर ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपको इस गन बॉक्स को ना नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है, जिससे आप गन्स को आपस में आसानी से स्विच कर पाओगे और आपकी मूवमेंट भी थोड़ी सी बढ़िया हो जाएगी। और फिर फायर बटन, जंप बटन और क्राउच बटन को थोड़ा नजदीक से रखना है ताकि आप सारी चीजें एकदम जल्दी जल्दी से कर पाओ, सीटेड ग्लूवल जल्दी से लगा पाओ, और लेफ्ट साइड में आपको स्प्रिंट बटन को बड़ा रखना है और ग्लूवल वाले बटन की साइज को भी आपको बड़ा रखना ही होगा। अभी देखो गाइस यार, बटन की साइज को ना बड़ा रखने से आप उस पर हमेशा हर बार सही से क्लिक कर पाओगे, ठीक है, तो बटन की साइज को बड़ा रखने में किसी बात की कंजूसी मत करना। तो गाइस यार, अभी जरा बात कर लेते हैं थ्री फिंगर कस्टम HUD के बारे में। तो देखो गाइस यार, आपको ना हमेशा थ्री फिंगर कस्टम HUD के लिए अपने क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन रखना है, और फिर गाइस यार आपको अपने कस्टम HUD के अंदर क्विक वेपन स्विच बटन को ऐसी जगह पर रखना है जहां से आप अपनी तीसरी उंगली से हर बार उस पर सही से क्लिक कर पाओ। अभी देखो गाइस यार, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर थर्ड फिंगर के लिए क्विक वेपन स्विच बटन को यूज कर रहा हूँ तो आप लोग भी यही सेम चीज करो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर चाहो तो स्प्रिंट बटन को भी यूज कर सकते हो एज अ थर्ड फिंगर, और भाई यहाँ पर कुछ बंदे जंप बटन को भी यूज करते हैं, लेकिन गाइस यार ज्यादातर थ्री फिंगर से खेलने वाले बंदे अपनी थर्ड फिंगर को क्विक वेपन स्विच बटन के लिए ही यूज करते हैं। तो गाइस यार, आपको कुछ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है अपने टू फिंगर और थ्री फिंगर कस्टम HUD के अंदर, जहां पर आप बदलाव करके अपने गेम प्ले को एकदम मक्खन कर सकते हो और भाई टू फिंगर से थ्री फिंगर पे भी आसानी से स्विच कर सकते हो। तो गाइस यार, अभी जरा बात करते हैं हमारे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है रिएक्शन स्पीड। तो देखो गाइस यार, आपकी मूवमेंट स्पीड, आपकी ग्लोवल लगाने की स्पीड, आपके वन टैप लगाने की एक्यूरेसी, फास्ट एमिंग, ये सारी चीजें, ये सारा खेल है भैया रिएक्शन स्पीड का। और गाइस यार, रिएक्शन स्पीड का मतलब है कि आप बंदा देखने के बाद कितना जल्दी सही डिसीजन ले पाते हो, कितना जल्दी से रिएक्ट कर पाते हो। और देखो भाई, मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप थ्री फिंगर से खेलो या फिर फोर फिंगर से, लेकिन आपकी रिएक्शन स्पीड अच्छी नहीं है ना, फिर तो भाई आपको टू फिंगर वाला बंदा भी बड़ी आराम से पेल जाएगा। अच्छा चलो गाइस यार, मैं आपको रिएक्शन स्पीड का एक मस्त वाला एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर आप देख ही सकते हो, पहला बंदा उसको वन टैप चेप दिया, दूसरा दिखा उसको भी वन टैप दे दिया, तीसरा बंदा मेरे को मुक्का मारने के लिए आ गया तो मैंने फटाक से डिस्टेंस बना लिया, और फिर भाई थोड़ा सा आगे जाते ही चौथा बंदा दिख गया तो उसको भी मैंने फटाक से वन टैप चेप दिया। तो गाइस यार, यही होती है हमारी रिएक्शन स्पीड की, आप बंदे देखकर कितना जल्दी से रिएक्ट कर पाते हो। और भैया, रिएक्शन स्पीड बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, तो ध्यान रखना अगर आप टू फिंगर से थ्री फिंगर पे या
या फिर थ्री फिंगर से फोर फिंगर पे शिफ्ट कर रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस तो अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और भैया इसी बात को लेकर है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है शिफ्टिंग प्रॉब्लम्स। तो देखो गाइस सर, मुझे पता है कि जब भी हम लोग टू फिंगर से थ्री फिंगर पे शिफ्ट होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हमारा गेम प्ले ना एकदम से बेकार सा हो जाता है। और भैया सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाली चीज ये होती है कि जो भी बटन हमने थर्ड फिंगर पे सेट करके रखा है ना, उस बटन पे ज्यादातर टाइम क्लिक ही नहीं कर पाते। तो देखो गाइस यार, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से ना उदास होने की जरूरत नहीं है। और भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी प्रॉब्लम भैया हर एक बंदे के साथ होती है जब भी बंदा टू फिंगर से थ्री फिंगर पे शिफ्ट कर रहा होता है। तो गाइस ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिलता रहेगा और आपका गेम प्ले भी ओवरऑल एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो देखो गाइस यार, फाइनली अगर आप ऐसे ही मजे मजे में खेलते हो तो आपको थ्री फिंगर पे शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने गेम प्ले को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो आपको टू फिंगर से थ्री फिंगर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हमारा वीडियो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें लगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी रॉ, ठीक है।